जो नई पिक्चर आई है सुपर थर्टी, ये कितने लोगों ने देखी है? तो मैं जो पालक जो है मैं उनको विनती करूंगा कि आप सब पिक्चर दिखाते रहते, कभी दबंग दिखाते होंगे, कभी जा दिखाते होंगे, पता नहीं, पर सब बच्चों लोग को ये सुपर थर्टी पिक्चर दिखाइए। और कैफ को मैं बोलूंगा कि एक स्पेशल शो हमारे स्कूल के लिए रखे, जहाँ आप चाहिए मैं भी मदद करूँगा करके, क्योंकि 100-150 बच्चे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चों में जिद होती है वो क्या बन सकते हैं, वो उस पिक्चर में दिखाने का काम किया है। और हमारी ऐसी अपेक्षा है कि मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में से भी ऐसे बच्चे लोग आ गए हैं। मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आई एश्योर यू कि आज से आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्कूल, नॉट ओनली मॉरल ओनली फिनेंशियली ऑल्सो। We try to put some efforts to all our colleagues and all our friends who are in particular this area. We try to help it out. और जो भी चीज़ें आप लोगों को जो दिक्कतें आ रही है, क्योंकि इतनी ये ऐसे एरिया में और ऐसे हालात में स्कूल चलाना बहुत मुश्किल का काम, बट इसमें और नए नए चीज़ों हम लोग को करना है ताकि बच्चे लोग और कैसे अट्रैक्ट हो। और आज आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट की तरफ से ई लर्निंग के माध्यम से ये उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि हम अभी 21वें शतक में जाते वक्त इस टेक्नोलॉजी को हाथ में लेकर हुए हम बच्चे लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं। और जैसे आपके गांव के हर क्लासेस में वो लाने की कोशिश हो रही है, तो ज़रूर मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो उन्होंने काम शुरू किया है उसको आखिर तक के पूरा करने के लिए जो भी कोई मदद हो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को और लोगों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ में ये इंस्टीट्यूशन जो इतने साल से बना है, और जब ये 75 साल में जब ये इंस्टीट्यूशन जाएगा तो ये नागपाड़ा नहीं तो मुंबई की एक शान बोलकर ये इंस्टीट्यूशन को देखने का काम होगा, क्योंकि मैं खुद एक इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ। आज राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ बोलकर परे में जो मेरा ऑफिस है वहाँ पे भी हमने मिल कामगारों के बच्चों के लिए होटल मैनेजमेंट की हमने सुविधा दी। मैं आपसे भी अपील करूँगा कि 10वीं के बाद 11वीं के बाद 12वीं के बाद भी आप लोगों को अगर वहाँ कुछ करना है तो हम नॉमिनल फीस लेकर, क्योंकि वैसे बहुत सारे कैटरिंग कॉलेजेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं, पर वहाँ पे हमने होटल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट ये दो कोर्स हम लोगों ने शुरुआत की। पहली शुरुआत की तो 50 बच्चे थे, अब 250 बच्चे हो गए वहाँ पे। और आज लोग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि नहीं हमको भी हमारे बच्चों को वहाँ पे रखें। और उसके पीछे एक खासियत है कि वहाँ पे एक बार एडमिशन लेने के बाद पूरा एजुकेशन होने के बाद उसको 100% जॉब की गारंटी हम लोग उस इंस्टीट्यूशन में से आप देते हैं, ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ाना नहीं, पढ़ा के उसको रोजगार भी देना, ये भी एक इंस्टीट्यूशन बोलकर हमारा फर्ज है। तो बेस आप बना रहे, उस बेस को आगे लेके जाने की भी जवाबदारी जहाँ लगी हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। और पहले माफ़ करिए मैं लेट आया, क्योंकि मैं एक अर्जेंट मेरा एक कोर्ट का इंडस्ट्रियल कोर्ट का मैटर था, तो मुझे बैंड्रा में एक साइन करने जाना पड़ा, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहीं आता था। तो लेकिन आपको पता है कि मुंबई में जो ट्रैफिक के हालात है, तो वहाँ बैंड्रा कोर्ट BKC में होने के कारण वहाँ जाकर फिर वापस यहाँ आने तक के मुझे वक्त लगा। लेकिन फिर एक बार मैं इतना नाम से आऊँगा, बैठूँगा, बात करूँगा, और जो भी आपकी दिक्कत है उसको कुछ कैसे सोल्यूशन ला सकते हैं वो करने की कोशिश करूँगा। आप सबके माध्यम से पालकों के और विशेष तौर पर ऊपर ट्रस्टीज और स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से आज ये ई लर्निंग का ओपनिंग हो गया, ऐसे मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।